आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर विशु राजा को सौंपा। दिए गए ज्ञापन में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल पहले ही निर्देश दिया था कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल सर्वे का पालन किया जाए, लेकिन अधिकांश राज्य सरकारों ने इस निर्देश की अवहेलना की है। ओबीसी जनसंख्या के आंकड़े नहीं होने के कारण निकाय चुनाव ही नहीं बल्कि अन्य सरकारी नीतियों के समुचित क्रियान्वयन की समस्या आती है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी आवश्यकता जातिगत जनगणना कराई जाए ताकि सरकारी नीतियों के समुचित क्रियान्वयन के द्वारा देश में सामाजिक न्याय स्थापित हो। देश में सभी समुदायों के समानुपातिक प्रतिनिधित्व के बिना लोकतंत्र सार्थक और समृद्ध नहीं हो सकता। जातिवार जनगणना के जरिए ओबीसी के आरक्षण द्वारा उनकी भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने निकाय चुनाव में ओबीसी की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। ज्ञापन सौंपा, क्या मांगे आप लोग? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निकाय चुनाव की घोषणा की गई थी, जिसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया था। उसमें एससी एसटी के भी आरक्षण में कटौती की गई है, जिसमें जिला शामली में सिर्फ पिछड़े वर्ग को एक सीट आरक्षित की गई है बनत की। उसके अलावा जिला शामली में कभी अनुसूचित जाति की कोई सीट आरक्षित नहीं की गई और ना ही ओबीसी को आरक्षित सीट की गई है। हमारी सरकार से मांग है, माननीय राष्ट्रपति चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा हम लोग को आह्वान किया गया कि उत्तर प्रदेश के 75 मुख्यालय जिलों पर पहुंचकर जिला कलेक्टर को माननीय राष्ट्रपति मोदी जी के नाम ज्ञापन सौंपा जाए और उसमें मांग की जाए कि जो ओबीसी आरक्षण जो है उसको बहाल किया जाए, क्योंकि ये हमें संविधान आर्टिकल आह्वान करता है कि हम लोग को ये संविधान में जो अधिकार दिया है उन अधिकारों का हनन न किया जाए और हमें जो ओबीसी आरक्षण उसमें दिया गया है उसको पूर्ण रूप से 27% आरक्षण है तो 27% आरक्षण दिया जाए। ये हमारी मांग है। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है, ओबीसी को आरक्षण निकाय चुनाव में नहीं देती और उसके बिना आरक्षण कराती है, तो हम लोग आंदोलन करेंगे। ठीक है, मंडल उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी सहारनपुर। आज जो नारेबाजी कर आपने ज्ञापन दिया, क्या मांगे आप लोगों? हमें मांग ये है, हमारी जो आरक्षण हमारा धीरे धीरे से खत्म कर रही है सरकार बैकडोर एंट्री से, वो अब मतलब हर चीज़ को प्राइवेट कर रही है। प्राइवेट मतलब आरक्षण कहाँ चलता है, तो सरकारी जॉब में चलेगा। तो जब सरकारी जॉब रहेगी नहीं तो फिर आरक्षण का अब तो हमसे छीना जा रहा है। दूसरी बार निकाय चुनाव में हम तो हमारी मांग तो ये है कि जनगणना कराई जाए, जातिगत जनगणना हो और उसके आधार पर जिसकी संख्या भारी होगी उसको उतनी हिस्सेदारी प्रशासन में मिलनी चाहिए। और ये सरकार जो निष्ठुर सरकार बैठी हुई है, जो हमारे आरक्षण के हक को छीनी हुई है, जो हमारे महापुरुषों ने हमें प्रदान किया, वो हमें मिलने चाहिए, जो हमारा हक भी है।